ज़कात फ़ितर ये वाजिब हो जाता है, ईद का सूरज डूबने के साथ साथ, ईद का सूरज यानी रमज़ान का सूरज डूबने के साथ ईद का ज़कात फ़ितर ये वाजिब हो जाता है। ज़कात फ़ितर के वजूब का जो वक्त है रमज़ान का सूरज डूब जाने के साथ साथ, डूब गया इंसान ज़िंदा है अब उसके ऊपर वाजिब हो चुका है। ईद की नमाज से पहले अगर उस इंसान का अगर इंतकाल हो जाता है तब भी उसकी तरफ से ज़कात फ़ितर अदा करेंगे, लेकिन अगर सूरज डूबने से पहले उसका इंतकाल हो जाता है तो उसकी तरफ से ज़कात फ़ितर वाजिब नहीं है, आप दे दें वो अलग बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात फ़ितर, अगर किसी बच्चे की विलादत ग़ुरूब शम्स के बाद होती है, रमज़ान के सूरज के डूबने के बाद अगर होती है तो क्या उसकी तरफ से ज़कात निकालेंगे कि नहीं? बच्चे की विलादत कब हो रही है? रमज़ान का दिन गुज़र गया, सूरज डूब गया, रात में हो रही है, सुबह ईद है, उसकी तरफ से ज़कात फ़ितर निकालेंगे कि नहीं? निकालना होगा, वजूब के वक्त में वो शख्स दुनिया में आया है, वजूब के वक्त में तो उसकी तरफ से ज़कात फ़ितर निकालेंगे हर उस शख्स की तरफ से जो मौजूद है ईद की नमाज से पहले पहले। فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى على الصغير والكبير من المسلمين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر رمضان کی زکاة فطر ایک سا کھجور، ایک سا پنیر، ایک سا جو، ہر آزاد اور غلام، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر فرض کیا ہے۔ इस रिवायत से पता चलता है कि हर मुल्क, हर शहर, हर ज़माने के एतबार से वहाँ के लोगों का जो आम ताम हो, जिस पर उनके ताम की बुनियाद हो, वो चीज़ एक सा उन्हें बतौर ज़कात फ़ितर निकालनी है हर दौर और हर ज़माने के एतबार से। एक सा, इससे पहले मैंने ज़िक्र किया था, सवा दो किलो, कुछ लोग ढाई भी निकालते, कोई हर्ज नहीं, तो ये बतौर ज़कात फ़ितर के निकालनी है। मकसूद क्या है इसके ज़रिए से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें ज़िक्र की हैं, एक का ताल्लुक़ रोज़ेदार से है और दूसरे का ताल्लुक़ गरीबों से है। रोज़ेदार से क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तोहरतुल लिस्साइमि मिनल लग़्वि वर्रफ़स, तोहरतुल लिस्साइमि मिनल लग़्वि वर्रफ़स। रोज़ेदार ने जो कुछ غلطیاں کی ہیں قولی فعلی کسی بھی اعتبار سے، جسمانی قلبی کسی بھی اعتبار سے جو کچھ کمی اور زیادتی اس سے ہوئی ہے اس پورے مہینے کے اندر، تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس مہینے کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو، ایک ایسی چیز کے ساتھ جو اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کو پوری کرنے والی ہو، جیسے کہ نماز کے خاتمے کے بعد السلام علیکم کے بعد مشروع قرار دیا گیا کہ ہم کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے ہی عمر کے خاتمے کے وقت مشروع قرار دیا گیا کہ ہم کثرت کے ساتھ کیا کہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، عمر کا خاتمہ، ہر اچھے اور بھلے کام کے خاتمے کے وقت ہمیں ایسے ہی اچھے بھلے کاموں کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس طرح کی کمیاں جو اس عظیم عبادت کے اندر آ گئی ہوں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں پوری کر دے۔ فرائض کے خاتمے اس سے پہلے اس کے بعد کے لیے آپ دیکھیں سنن اور نوافل کو اللہ رب العالمین نے اس کے گرد لگا دیا۔ حج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اس کے ختم کے وقت بھی اللہ رب العالمین نے اس طرح کی عبادتوں کو مشروع قرار دے دیا تاکہ اس طرح کی جو بھی کمیاں ہیں خاتمہ خیر کے ساتھ ہو، ہر چیز کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو، زیادہ سے زیادہ خیر، یعنی کہ خاتمہ کے وقت انسان ڈھیلا پڑ جائے، کمزور پڑ جائے، اس وقت خیر کے کاموں کو کم کر دے، نہیں، اس وقت بڑھانے کی ضرورت ہے، اس وقت اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اس کے اندر کثرت کرنے کی ضرورت ہے۔
एक मकसूद तो ये रहा, दूसरा मकसूद क्या है इस ज़कात फ़ितर के ज़रिए से, समाजी ज़रूरत है कि मोहब्बत को, मसर्रत को, ख़ुशी को जो इंसान को फ़ितर की वजह से हासिल हुई है, ये ख़ुशी, ये मसर्रत, ये फ़रहत, ये सुरूर सिर्फ़ अकेले उस शख्स के लिए ना हो बल्कि समाज के हर हर फर्द के लिए हो, यहाँ तक कि जो मिस्कीन हैं, गरीब हैं, फ़ुकरा हैं, जिनके यहाँ खाने का इंतज़ाम है नहीं है, जो भी बुनियादी चीज़ें हैं इंसान की खुशी की, भूखा है तो क्या खुश होगा वो, कम से कम पेट तो उसका भरा हुआ रहे, ऐसी चीज़ों में मैसर हों कि जिससे वो आराम के साथ जी सकता हो, तो उसकी खुशी दुबला होगी अगर समाज के सारे ही अफराद इस अजीम खुशी के अंदर उसके दोष बदोष खड़े हों और हर एक के ऊपर खुशी के असरात नज़र आते हों। और ये अजीम मजहर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सा की शक्ल में मशरू किया, ताम की शक्ल में उसको मशरू किया कि ऐसी चीज़ों को सामने लाया जाए, लोगों के बीच में लाया जाए, ताकि इस्लाम के ताल्लुक से लोगों को ये मालूम हो सके कि गरीबों का इस्लाम ने कितना हक दिया है, मालदारों के माल के अंदर इस्लाम ने गरीबों का कितना ख्याल किया हुआ है, घर के सारे अफराद को इसका एहसास हो सके। ये ज़ाहिरी शईरा है, ये ज़ाहिरी शईरा है जो दिखने में आए, लोगों को नज़र आए, ऐसा नहीं कि छिप छिपा करके रुपए और पैसे इंसान इधर उधर से ट्रांसफ़र मार दे, उसे पता ही नहीं चले कि एक शईरा है और उस शईरे की अदायगी हो रही है। ये तो फजीलत का, ये तो वाजिबी वक्त है जो अभी मैंने ज़िक्र किया था कि रमज़ान का सूरज डूब जाए और उसके साथ साथ उसे अदा कर, उसे चाहिए कि वो अदा कर दे ज़कात फ़ितर को, और ईद की नमाज से पहले अदा कर दे, ईद की नमाज से पहले अदा कर दे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की गालिबन रिवायत है, मन अद्दाहा क़बल अस्सला फ़हिया ज़कातु मकबूल, जो शख्स नमाज ईद से पहले ही अदा करेगा यानी गरीब के हाथ में पहुँच जाएगा। अदा करने का कुछ लोग माना ये समझते हैं कि मदरसे में पहुँचा दो, मस्जिद में पहुँचा दो, और मस्जिद वाले सोचते हैं कि हम देते रहेंगे इत्मीनान के साथ, लोग जो आएंगे उनको हम देते रहेंगे, लोग जो यहाँ पहुँचेंगे उनको हम देते रहेंगे, लोग नहीं पहुँच रहे हैं या ये लोगों तक नहीं पहुँच रहे हैं वो रखा हुआ है, ईद के बाद भी वो तकसीम हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अदा, जो इस शख्स को अदा कर दिया, अदा का मतलब है उस शख्स को मिलना जिसको देने का हुक्म दिया गया है, क़बल अस्सला नमाज से पहले, फ़ैय ज़कात मकबूला तो ये मकबूल होगी ये ज़कात, उमन अद्दाह बाद अस्सला और नमाज के बाद जो शख्स इसको देगा, फ़ैय सदक़त मिन सदक़ात तो ये आम सदक़ा है, ज़कात फ़ितर उसका कबूल नहीं होगा। किसको देना है ये ज़कात फ़ितर, किसको देना है, किसके ऊपर वाजिब है, घर का जो ज़िम्मेदार है वो अपने घर के हर छोटे बड़े की तरफ से ज़कात फ़ितर निकाले, अगर कोई काम करने वाला है तो उसकी तरफ से भी निकाले। इस मिसाल के तौर पर इस शहर के अंदर बहुत सारे लोग मज़दूर तबका यहाँ काम करने के लिए आते हैं, हमारे अंडर में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने भी कम और ज़्यादा हैं उनकी तरफ से कौन निकालेगा, वो जो ज़िम्मेदार है वो उनकी तरफ से निकालेगा, उनकी तरफ से ये ज़कात फ़ितर निकालेगा। और जिनके नान नफका की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दे रखी है वो अपनी तरफ से निकालेगा, और हर उस शख्स की तरफ से निकालेगा जिनके खाने पीने दीगर तमाम अखराजात की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाजिब कर दी है, उन सब की तरफ से निकालेगा। और कितना निकालेगा इसका तज़किरा तो अभी मैंने किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ज़िक्र फरमाया कि वो हर शहर और हर मुल्क के एतबार से जो आम ताम हो लोगों का, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें से वो ज़कात फ़ितर निकालेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये सब चीज़ें थी जिनका अभी तज़किरा किया गया हदीस के अंदर, और हमारे दौर के अंदर चावल है, गेहूँ है, इस तरह की चीज़ें हैं बतौर ताम के इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें से एक सा यानी तकरीबन 2.25 किलो इंसान गरीब शख्स तक पहुँचाने की कोशिश करें। किसे देना है, गरीब शख्स को देना है, फ़कीर, तुअमतन लिलमसाकीन, तुअमतन लिलमसाकीन, यानी हर शख्स को नहीं देना। कुछ लोग कहते हैं कि
ये जो आठ अकसाम है उन आठ अकसाम को दे देना है, इन सारे लोगों को दे देना है, नहीं हर एक को नहीं देना है। नबी सल्लम ने उन आठ में से खास कर दिया, चाहे वो फ़कीर हो मिस्कीन हो, जब ये अकेले आता है तो दोनों माने में आ जाता है। तो फ़कीर हो मिस्कीन हो ऐसे शख्स को, इंसान जिसके पास खाने की चीज़ें मैसर नहीं हैं, खाने पीने की चीज़ें जिसके पास नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को देना, ये मसाकीन को देना है, और वो इसके ज़्यादा मुस्तहिक हैं वो जहाँ भी हों। लेकिन क्या कीमत भी दी जा सकती है ऐसे लोगों को, या ज़रूरी है कि हम वही दें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ताम की, जैसा कि वो सैयद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में मौजूद है कि हम ताम निकालते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो क्या चीज़ निकालनी ज़रूरी है, वो चीज़ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से निकालते थे, जो आपने फ़र्ज़ किया है उन चीज़ों को निकालना है। ये हुक्म है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नस सरीह है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो ज़कात अगर कोई शख्स चाहता है ये ज़कात फ़ितर पूरे तौर पर अदा हो जाए, तो नस सरीह के आ जाने के बाद इंसान उसी को इख्तियार करे। और इसके अंदर एक अजीम मकसद भी था जो अभी मैंने इशारा दिया कि कीमत के निकालने का माना क्या है, कि ये छिपा हुआ एक मामला है, जिससे बहुत सारे सदक़ात हैं, बहुत सारे खैरात हैं, ये छिपा हुआ सदक़ा नहीं है, बल्कि ये वो सदक़ा है जो लोगों के बीच में ज़ाहिर करने वाला सदक़ा है, लोगों के बीच में लाना है ताकि लोगों को पता चल सके, लोग उसे देख रहे हों, उसे तोला जा रहा है, उसे नापा जा रहा है, और लोगों के दरमियान उसे बाँटा जा रहा है, लेने वाले हैं देने वाले हैं, इस तौर पर एक मंज़र है जो लोगों के दरमियान आनी है, इसका एहतमाम करने की ज़रूरत है।